अब पॉइंट ये है कि इनको, इनका जो मेरे खिलाफ जो गिला वो ये नहीं है कि मैंने इनके ऊपर कोई केसेस बनाए हैं, सिवाय शहबाज शरीफ के जो दो मकसूद चपड़ासी एफ आई आर केस 16 अरब का और जो 8 अरब का टीटी का केस था, बाकी सारे पुराने केस। उनका गिला ये है कि हमारी जरूरत कैसे पड़ गई इस रॉयल खानदान को जेल में डालने की। बदलेट से आपकी गवर्नमेंट दोबारा आती है, परस्यू करेंगे इन केसेस को? देखिए फरिया, मैंने एक मिसाल दी, कल भी मैं आज फिर देता हूं। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, कानून के सामने सब एक बराबर। जिस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है वहां ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, उधर लोगों को मौका मिलता है ऊपर आने का, वो माशरा आजाद होके वो फिर ऊपर आता है, खुशहाली आती है वहां। मैं आपको मिसाल देता हूं, इस वक्त डेनमार्क और पाकिस्तान की मैं मिसाल देता हूं। डेनमार्क रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नंबर वन है, 140 मुल्कों में नंबर वन है डेनमार्क, जो सबसे बेहतरीन रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है। पाकिस्तान है 129, 140 में से 129 हमारा नंबर है रूल ऑफ लॉ में, यानी या इंसाफ नहीं है डेनमार्क। और क्योंकि रूल ऑफ लॉ है वह करप्शन इंडेक्स में भी नंबर वन है, यानी सबसे कम करप्शन 180 मुल्कों में डेनमार्क में है। और पाकिस्तान 180 में से 140 नंबर है पाकिस्तान में करप्शन में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की औसत आमदनी $66,600 है। सोच लें कि जब आपके मुल्क में कानून और इंसाफ होता है वो खुशहाल होता है, जब नहीं होता, हमारे डेनमार्क से बहुत ज्यादा वसाइल है, हम गरीब तरीन हैं।